रोने लगी, तूने मेरे साथ भी अच्छा नहीं किया, अगर मैं जान लेती तो तुझे श्राप दे करके भस्म कर देती। मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, राक्षस क्या लगा, तुझे पता नहीं है तेरे कोई संतान नहीं हो रही थी, अब संतान हो जाएगी। उसी समय कहने लगी पवन रेखा, तेरे जैसे कमीन होगा। बोले मेरे जैसा नहीं, सुना था कि मेरे समान योद्धा होगा, पर जीते ना कोई पाएगा। और राजा यादव की बातें जैसा नहीं होगा, मेरे जैसा ना ना ना। मेरे समान योद्धा होगा, पर जीत ना कोई पावेगा। राजा और नर की योद्धा पैदा होगा, उससे कोई जीत नहीं पाएगा। मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, श्री सुखदेव मुनि समझाने लगे, हे राजन परीक्षित। उसी समय महाराज वो रानी जो रहे वहां से चली, और जब चली है तो रास्ते में भेंट भाई सखियां मिली, पूछी कहे जज्जी कहां रही है वेलो। जैसे इतनी बात सुनी पूछी जी कहां लगी, तुम्हें ना पता तुम चली आई, आंधी आई गई, एक बंदर आओ बने देखो सब मेरी दशा बिगाड़ दी। सखियां बोली हम जानत है कौन से बंदर आओ है, चलो। तो सब सखियां चली, रानी जब घर पे पहुंची, धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद में मेरे श्रोताओ, आज उस रानी की कोख से एक कपूत ने जन्म लिया। जब श्रोताओं पुत्र पैदा होता है तो महाराज शगुन होते हैं, और जब जब कपूत पैदा होता है तो अशगुन होने लगे, अशगुन पे अशगुन होने लगे हैं महाराज। हुआ क्या कि पैदा होते ही और बालक के आदि तूफान आए लगे। चमकी काशी ना एक उपमा परदेसी आने लगी। महाराज आंधी तूफान पे तूफान आने लगे, बादल गड़गड़ाने लगे, बिजली चमकने लगी। मेरे श्रोता धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, उसका नाम पड़ा है कंस। कंस जब पड़ा हुआ तो महाराज उत्पात पे उत्पात करने लगा। कंस ने प्रजा के लोगों को सताना प्रारंभ कर दिया, उत्पात पे उत्पात करने लगा। एक दिन की बात है, मेरे श्रोताओं जब उत्पात पे उत्पात करने लगा, एक दिन की बात, जो कंस रहे लंबी लंबी लाठी लेकर के संग में लड़कों को कर लिया 10-20 लड़कों को, चलो और जाए के महाराज यमुना के किनारे पहुंचो तो कछु सखियां रहे, उन्हें देखो
और सखियन को जब देखो तो सखियन तक ये काम करो, बोले का एक काम करो, अपने वस्त्रों को उतारो और नगीन अवस्था में इस चट्टान पर कंकड़ पत्थरों पर चलो। मेरे श्रोताओं उत्पात पे उत्पात करने लगा, जब उत्पात पे उत्पात किया तो महाराज पृथ्वी माँ भी रोने लगी। पृथ्वी माँ कहने लगी, हे दीन बंधु भगवान, अब तुम्हें कितनी देरी लगेगी। रोती है पृथ्वी माँ कि पृथ्वी का भार हरती हर युग में राम आए, कभी राम बन के आए कभी श्याम बन के आए। बात बताएं, सभी लड़के इकट्ठे थे तो सब लड़का अपने अपने घर से आए तो सोते पूछ लो कौन से भैया एक बात बता, तेरी अम्मा ने क्या बनाओ, तेरी अम्मा ने क्या बनाओ, खीर बनाई। जब बता अगर खीर बनाई है ना तो जे बता हमें काका डार बोले काका डारो मम्मी, बोले तुम्हें नहीं पता पा बहुत बहुत आइटम डारे। बोले तो बता कौन से डारे, मछुआरे गरीब सब कुछ डारो। बोले चीनी उड़ारी, बोले बिल्कुल चीनी उड़ारी। बोले तू खाए के आओ ये मेरे श्रोता बंधु जैसे इतने शब्द सुने, बोले बिल्कुल खाए के आए। बोले अपनी जिब्बिया दिखाइए तो, और जैसे ही जीव दिखाई तो माता ओ लल लल कर घूम की जीव ही काट ली। मेरे श्रोताओं उत्पात में उत्पात करने लगा। प्रजा जो रहे राजा के पास में खबर पहुंचाने लगी।
कहने लगी है तीन बंधु भगवान अब आगे क्या होगा, क्योंकि महाराज ये तुम्हारा पुत्र जो है वो उत्पात कर रहा है। श्री सुखदेव मुनि समझाने लगे ही राजन परीक्षित। राजा ने कंस को बुलाया और कंस से एक ही बात कही, बेटा कंस ये बताओ तुम इतना अत्याचार पे अत्याचार क्यों कर रहे हो। भोजराज कंस कहने लगा, बूढ़े बाप क्या कह रहे हो। बोले बिल्कुल मैं सत्य कह रहा हूं, ये बताओ जब शेर बन को जाटने लगेगा तो बन की रक्षा कौन करेगा। जवाब दिया बूढ़े बाप, हम समझ गए तुम बूढ़े हो गए सोए गए, तुम्हारी अकल की घोड़ी उड़ी हो चुकी है। बोले क्यों? बोले अब तो राज चलाने योग्य नहीं रहे हो। भोजराज कंस कहने लगा, मंत्री। बोले कहिए महाराज। बोले जे बता, अगर आपके राजा अगर हम बन जाए तो कैसे रही है। मंत्री ने जवाब दिया, प्रभु अगर तुम राजा बन जाओ तो बहुत नीचे लगे हो, बहुत अच्छे लगे। उसी समय महाराज सर से मुकुट हटाया, अपने सर पर रख लिया। बोले मंत्री। बोले कहा महाराज। बोले हम कैसे लग रहे। बोले बिल्कुल ठीक लग रहे। एक काम करो, मेरे पिता का श्रृंगार करो, हाथों में हथकड़ियां पैर में बेड़ियां और डाल दो जेल खाने में। मेरे श्रोताओं, पिताजी को श्रृंगार किया, जेल खाने में डाल दियो। भोजराज कंस कहने लगा, मंत्री आज से मेरे आदेशों का पालन होगा। ऐलान कर दो जितने भी पीरे वस्त्र वाले महात्मा मिले सब जेल खाने में डालो। जो भी अमर करता वो बेदियां फोड़ दो, गौशालाओं में आग लगा दो। मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों अत्याचार पे अत्याचार करने लगा। एक दिन मंत्री से कहो, मंत्री जे बताओ कोई अब कमी तो नहीं लग रही। बोले कोई कमी नहीं। भोजराज कंस कहने लगा, प्रजा के लोगों कोई दुखी तो ना है। एक खड़ो है गो महाराज, हम बहुत दुखी। बोले काहे। बोले तुम्हारे पिताजी के राज में हम बहुत सुखी थे, लेकिन तुम्हारे राज में हम बहुत दुखी हैं। मंत्री से कहिए, मंत्री इसे काट के फेंकवा दो, क्योंकि मैं अपनी प्रजा में दुखी किसी को देखना पसंद नहीं करते। दूसरी बार फिर पूछा, कोई दुखी तो ना है। सबने दोनों हाथ ऊपर कर दे। बोले कोई दुखी नहीं, बहुत सुखी है। एक दिन की बात, भोजराज कंस से मंत्री कहने लगा, महाराज बस एक इच्छा और है। बोले काई की इच्छा है? इच्छा ये है कि अब महाराज आपकी शादी हो जाती तो ठीक रहती, घर में मतलब रानी आ जाती। मंत्री से जवाब दिया, तेरी निगाह में कोई है? बोले एक नहीं दो। बोले कौन है? बोले मगध के राजा जरासंध की दो पुत्रियां, एक नहीं बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। चंद्र बदन उजियारी पर घूमे और पापी ए चंद्र बदन उजियारी पर घूमे दोनों विवाह योग्य हैं। भोजराज कंस कहने लगा, मंत्री तैयार हो जाओ। बोले काय? बोले चलो शादी करने के लिए चलेंगे। मेरे श्रोताओं, शादी करने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, मेरे श्रोताओं उसी समय जब शादी के लिए तैयार भाई मगध में जाए के पहुंचे,
जरासंध को देखा, जरासंध कहने लगा ओए भोजराज कंस बोले मुझे पहचाना, मैं राजा हूँ भोजराज कंस। बोले कहो, बोले मैंने एक बात सुनी है। बोले क्या सुनी? मैंने सुना है तुम्हारे दो पुत्रियां हैं और वो भी विवाह योग। बोले बिल्कुल ठीक सुना। बोले ठीक सुना तो ठीक ही समय पे आया, मैं शादी करना चाहता हूँ। जरासंध कहने लगा ओए सुना जो मेरे आती है हाँ चाहते करो युद्ध, जीत गए तो साथी, हार गए तो बर्बादी। भोजराज कंस के लगा काय चिंता का तो देर नहीं लगाई, अरे कंस और बहाती में चटक वही लड़ाई। महाराज युद्ध होने लगा, राक्षस को कर रहो यारे